तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं एलिमेंट्स मैथमेटिक्स का। ठीक है, मैं एलिमेंट्स मैथमेटिक्स करवाऊंगा आपको। इसमें एलिमेंट्स मैथमेटिक्स में रिलेशनल फंक्शन जो चैप्टर है उसमें पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिए। लेट ए कोई सेट गिवन है, बी कोई सेट गिवन है, शो दैट द रिलेशन आर गिवन बाई आर। आर ये कोई रिलेशन है, गिवन इज एन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इज एन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक बच्चे ये क्या दिखानी है, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन में आपको बेसिक्स में बता के आया हूँ जो आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, फाइव। तो देखिए करते हैं इसका आंसर। हेयर ए इज इक्वल टू, ए क्या है अपना 3 5, बी इज इक्वल टू, बी है अपना 7 11, बी है अपना 7 11, एंड आर इज इक्वल टू, आर जो है सब वो है ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, ए माइनस बी इज ओड, ए माइनस बी इज ओड। मतलब ए में से जब बच्चे हम बी घटाएंगे तो वो क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर आर, ऑल पॉसिबल ऑर्डर, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आर, पेयर्स आर, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स आर के, ये आर की बजाय आप कैपिटल आर करो, आर कैन हैव, कैन हैव आर, कैन हैव आर। क्या क्या रख सकते हैं, देखो 3 7 3 7 3 11 3 11, 5 7 5 7, और 5 11 5 11 5 11। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ ए और बी की क्या कर दी सब कार्टेशियन प्रोडक्ट, और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से जो ऑर्डर पेयर थे वो सारे मैं बाहर ले आया था के। ठीक है, और वो मैंने लिख दिया ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर आर कैन है, वो आर जो है रिलेशन वो क्या क्या रख सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है रखने की, ये और ये। ठीक है, अब देखते हैं कि ये सारे के सारे आर में जाएंगे या नहीं, ये सब के सब आर में जाएंगे या नहीं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 3 7 से, 3 7। ठीक है, 3 7 जाएगा। देखो मैं यहाँ पे दे 4 लिखता हूँ, एक मिनट इसमें चेक करते हैं हम। ए माइनस बी इज ओड दिखाना है, ए बिलोंग्स टू ए बिल्कुल, ए ए में से है, 3 ए में से है, और 7 3 ए में से है, 7 बी में से है, बिल्कुल ए माइनस बी इज ओड, ए माइनस बी इज ओड। ए माइनस बी इज ओड का मतलब 3 माइनस 7, तो 3 माइनस 7 प्यारे बच्चे जब हम करेंगे तो -4 आएगा, इज एन नॉट ओड, इज नॉट ओड, इज नॉट ओड, या इज नॉट एन ओड लिख सकते हो, इज नॉट एन ओड, इज नॉट एन ओड आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो ये ओड नहीं है, ओड नहीं है, इसकी कंडीशंस सब आर की ये कंडीशंस पूरी नहीं कर रहा ये ऑर्डर पेयर, तो ये आर के अंदर नहीं जाएगा। ध्यान रखिए बच्चे, आर के अंदर वो ही जाएगा जो इस आर की कंडीशंस को फॉलो करेगा, ए माइनस बी इज ओड। तो यहाँ पे ए माइनस बी इज ओड नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि 3 माइनस 7 जब हम कर रहे हैं तो -4 आ रहा है, इज नॉट एन ओड, तो ये इसकी कंडीशंस पूरी नहीं कर रहा आर की, तो सब ये जो है ये आर में नहीं जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा 3 7 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये साइन में बता के आया था आपको बेसिक्स में, 3 7 डज नॉट बिलोंग्स टू आर मतलब आर में नहीं जाएगा, तो इसको क्या लिखोगे साहब, 3 7 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स का साइन ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट कौन है, 3 11, 3 11, 3 11 चेक करते हैं, 3 माइनस में 11, तो 3 माइनस में 11, 3 में से जब आप 11 में से देखो घटाते कैसे, ये ध्यान रखना, अगर साइन आपका
बड़े वाले का साइन लगेगा और घटाएंगे तब जो टर्म आएगी उसमें कौन सा साइन लगेगा, बड़ी वाली टर्म का माइनस है तो माइनस का साइन लगेगा, प्लस की टर्म है तो प्लस का लगता है, ये माइनस होता तो ठीक है। तो 11 में से 3 गए तो कितने बचते हैं, 8 बचते हैं और 8 बचेंगे तो यहाँ पे बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो माइनस का 8, माइनस का 8 ठीक है, माइनस का 8 इज नॉट एन ओड, नॉट एन ओड। तो ये भी आपका 311 भी डज नॉट बिलोंग्स टू R। अगले पे चलते हैं, 311 के बाद कौन है, 57। देखो 57 भी आपका R में बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि 5 में से जब मैं 7 माइनस करूँगा तो सब मेरे पास माइनस 2 आता है, वो भी किस में नहीं है, वो भी क्या नहीं है, इज नॉट एन ओड, इज नॉट एन ओड ठीक है, ये ध्यान रखना। और सिमिलरली अपना नेक्स्ट जो है 511 भी आर में नहीं होगा, 511 भी आर में नहीं होगा क्योंकि 5 और जब आप 5 माइनस 11 करोगे तो आपके पास आता है माइनस 6 इज नॉट एन ओड ठीक है। तो प्यारे बच्चे ध्यान से सुन, मैंने किया क्या है इस क्वेश्चन में, मैंने सबसे पहले सारी जो चीज़ गिवन है वो लिख दी, ए बी और आर सारे सब लिख दिए ये, और फिर मैंने लिखा ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर आर कैन हैव, जो ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर आर जो है वो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर पेयर रख सकता है ए और बी के अकॉर्डिंग, 3 7 3 11 5 7 5 11, ये कैसे आए कार्टिजन प्रोडक्ट से, 3 7 3 11 5 7 और 5 11। और फिर मैंने बारी बारी चेक किया कि क्या ये आर में जा सकते हैं, ये आर में तब जाएंगे साहब जब इस कंडीशंस को क्या करेंगे पूरा, और पर इनमें से किसी ने भी कंडीशन को पूरा नहीं किया तो आपका जो आर है वो क्या गया एम्प्टी, एम्प्टी को आप यू भी लिख सकते हो और इज इक्वल टू 5, आर क्या गया एम्प्टी, तो दस हेंस आर इज एन एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन आर इज एन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा ठीक है, एक एक स्टेप मैंने बता दिए हैं कि ये और पॉसिबल ऑर्डर पेयर आर में कब जाएंगे जब ए माइनस बी इज ओड की कंडीशन को क्या करते पूरा, पर इन्होंने इसकी कंडीशन को पूरा नहीं किया, क्यों, क्योंकि सारे के सारे हमें क्या मिल रहे हैं, इवन मिल रहे हैं, ओड नहीं मिल रहे, तो ये इस आर में नहीं जा सकते, तो आर में कोई नहीं गया बच्चे, इनमें से आर में कोई नहीं गया, कोई नहीं गया तो आप क्या लिखोगे, हेंस आर इज एन एम्प्टी रिलेशन, हेंस आर इज एन एम्प्टी रिलेशन ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डायरेक्ट आंसर करेंगे, जब मैं ये लिख रहा हूं तभी आप समझ लेना सब इसमें, इफ आर इज द रिलेशन लेस देन, आर इज द रिलेशन लेस देन फ्रॉम, फ्रॉम ए सेट हैज इस एलिमेंट है 1 2 3 4 5 टू बी, बी सेट जो है आपका उसमें एलिमेंट है साहब 1 4 5 1 4 5, राइट डाउन द एलिमेंट्स corresponding to R, write down the elements corresponding to R, find the inverse relation
इनवर्स रिलेशन ऑफ आर, फाइंड द इनवर्स रिलेशन ऑफ आर। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इफ आर इज द रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए टू बी, ए किससे लेस है, लेस देन है बच्चे बी से, ठीक है, रिलेशन लेके चलेंगे। राइट डाउन द एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू आर, एक तो हमें कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं जो कॉरस्पॉन्डिंग टू आर, आर में जो एलिमेंट आना चाहते हैं इस कंडीशन को पूरा करके वो लिखने हैं। फाइंड इनवर्स रिलेशन ऑफ आर, और साथ में जो हमारा रिलेशन आर आएगा उसका साहब हमें क्या लिखना है, उसका क्या लिखना है, इनवर्स लिखना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन करते स्टार्ट, यहाँ पे आर जो है सबसे पहले आंसर में देखिए, प्यारे बच्चे आंसर देखिए, सबसे पहले ए जो है आपका वो क्या है, ए जो है उसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और बी जो है उसमें जो एलिमेंट है वो क्या है, 1, 4, 5, ठीक है। एंड रिलेशन, रिलेशन को मैं लिख रहा हूँ, रिलेशन को मैं लिख रहा हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में, जो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, लेस देन फ्रॉम ए टू बी। तो देखो ए बी, ए बी आर में होगा बिल्कुल, सच दैट ए लेस देन बी, ए लेस देन फ्रॉम ए टू बी, ए बी से लेस, एंड ए बिलोंग्स टू ए, कैपिटल ए, और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। जो ये मैथमेटिकल जो लैंग्वेज दे रखी है इन्होंने, इसको आप इस टाइप से लिख सकते हो, जो उन्होंने ऊपर जो बुक वालों ने जो लाइन दी है इसको आप मेरे प्यारे बच्चे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो अब ये चेक करते हैं कि आर में कौन कौन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉसिबल ऑर्डर पेयर है ए और बी के कितने बनेंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 1, 4, 5, ये सारे के सारे ये ए में है और ये किस में है, बी में। तो चेक करते हैं, देखो इसमें सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर हम नहीं बनाएंगे कि भाई आर में क्या क्या आने की संभावना है, हम यहीं से चेक कर लेते हैं कि कौन ए में कौन बी के किस से छोटा है। तो सबसे पहले वन से चलते हैं, वन जो है किस से छोटा है प्यारे बच्चे, फोर से और फाइव से। तो आर में जो आपके एलिमेंट आने हैं ऑर्डर पेयर में वो कौन कौन आएंगे, वन से देखो, वन बिल्कुल वन लेस देन बी वाला, देखो ए में से तो वन लिया और इसमें से जब मैंने वन लिया, इसका पहला जब लिया हमने देखा कि वन लेस देन वन हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, तो वन वन आर में नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, वन इसका पहला लिया, इसका दूसरा, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट करते थे तो उसका दूसरा लेंगे, तो वन फोर, वन जो है किससे छोटा होगा बच्चे, फोर से छोटा होगा, तो मैं यहाँ पे वन फोर लिख सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सब ये देखिए वन जो है ये फाइव से छोटा होगा बिल्कुल, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, वन फाइव। नेक्स्ट चलते हैं, टू जो होगा वो किससे छोटा होगा, वन से छोटा होगा नहीं होगा, टू जो होगा फोर से छोटा होगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टू फोर, और नेक्स्ट टू फाइव, क्योंकि टू जो है सब किससे छोटा है फाइव से, तो टू फाइव। नेक्स्ट चलते हैं, थ्री जो है वो वन से छोटा नहीं हो सकता, फोर से छोटा होगा, तो थ्री फोर, और थ्री जो है वो फाइव से भी छोटा होगा। नेक्स्ट फोर जो है बच्चे वन से छोटा नहीं होगा, फोर से भी छोटा नहीं होगा, तो वो किससे छोटा होगा, फोर जो है वो किससे छोटा होगा, फाइव से छोटा होगा। और नेक्स्ट हम देखते हैं, फाइव जो है वन से छोटा है नहीं, फाइव फोर से छोटा है नहीं, और फाइव फाइव से भी छोटा नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे इस आर में कौन कौन आएगा, ये सारे कंडीशंस के, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने आर में जो एलिमेंट्स आने चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो सारे के सारे लिख दिए। आपकी रिलेशन ये होगी, इस रिलेशन के अंदर सब ये जो आए हैं ये कहाँ से आए हैं, ये इस कंडीशन को पूरा करके आए हैं, अगर इस कंडीशन को जिसने पूरा नहीं किया वो इसमें नहीं आया, ठीक है। तो पॉसिबल ऑर्डर पेयर काफ़ी हो जाते, आप ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हो इसमें कौन से ऑर्डर पेयर आए हैं बच्चे, जिन्होंने इस कंडीशन को, इस रिलेशन की बात मानी है, वो इस आर में इंट्री हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें एक चीज़ और पूछी है, आर तो मैंने फाइंड कर दिया,
और इसमें उन्होंने पूछा है कि फाइंड द इनवर्स रिलेशन ऑफ आर, तो ये नई चीज है, देखो आर इनवर्स, आर इनवर्स जो आपका होगा वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, इसका जो सेकंड एलिमेंट है इसको फर्स्ट बना दो और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको सेकंड बना दो, मतलब इनको बदल दो, 4 1 5 1 4 2 5 2 4 3 5 3 5 4 5 4, सिर्फ और सिर्फ बच्चे इसमें आर जो इनवर्स मैंने फाइंड किया है वो क्या किया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने इनको पलट दिया, ठीक है, चार आगे लिख दिया एक पीछे लिख दिया, ऐसे ही पांच आगे ये सब ऐसे पलट दिए एक एक करके, ये आपका आर इनवर्स है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। चलो अब आगे करते हैं, थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ ए, क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए, ए सेट है आपके पास जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, देन शो दैट आर, एक रिलेशन गिवन है सब जिसमें ऑर्डर पेयर में एलिमेंट है 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4, ठीक है 4 4, ये एलिमेंट्स रिलेशन में गिवन है, और उसने कहा है कि इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो करते हैं बच्चे क्वेश्चन को, देखिए एक सेट आपके पास गिवन है जिसमें ये एलिमेंट गिवन है, एक रिलेशन आपको गिवन कर रहा है कि, और कह रहा है कि इस रिलेशन को बच्चे आप शो करके दिखाओ कि ये रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुन, देखो सबसे पहले हम आंसर लिख के और स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव, आप पॉइंट डाल सकते हो सबसे पहले। तो देखो इसको मैं किससे करूँगा, डायग्राफ से, मैंने बोला था आपको आप साइड में डायग्राफ बना सकते हो, यहाँ पे मैं डायग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे एक लाइन खींच के आप यहाँ पे डायग्राफ बना दो। कितने ऑब्जेक्ट्स है बच्चे, चार, कितने गोले बनेंगे, चार, 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4, क्लियर बच्चे। अब ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कि आप रिलेशन से डायग्राफ बना सकते हो और डायग्राफ से क्या बना सकते हो, रिलेशन। तो चलते हैं रिलेशन से डायग्राफ बनाने। 1 1 का मतलब सेल्फ लूप, 1 2 का मतलब 1 से 2, ठीक है, 2 2 का मतलब सेल्फ लूप, 2 3 का मतलब 2 से 3 2 से 3, और 3 3 का मतलब सेल्फ लूप, और 4 4 का मतलब सेल्फ लूप। तो ध्यान दीजिए बच्चे, जब रिफ्लेक्सिव की बात आई थी तो क्या हुआ था कि हर जो ऑब्जेक्ट्स है वो अपना क्या रखेगा, सेल्फ लूप। तो देखिए हर एक का सेल्फ लूप है, यानी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव। और तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव करते हैं, हर ऑब्जेक्ट्स ने अपने सेल्फ लूप रखे हैं तो इसको आप रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। तो इसमें देखो लिखने का ढंग क्या होगा, आप ये नहीं लिखोगे आप बार बार 1 बिलोंग्स टू ए, 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 बिलोंग्स टू ए, 2 2 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि बहुत से एलिमेंट है ऐसे हम नहीं लिखेंगे। अगर हमें लगता है कि इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स सेल्फ लूप बना रहे हैं चारों के चारों, तो हम उसको देखो कैसे लिखेंगे,
एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए में है, एंड ए बिलोंग्स टू आर, हर एक एलिमेंट अपना सेल्फ लूप रख रहा है, ए बिलोंग्स टू आर, हर एक एलिमेंट इस ए ने, देखो इस ए को आप क्या क्या लिख सकते हो, वन भी कह सकते हो, इस ए को टू भी कह सकते हो, थ्री भी कह सकते हो और फोर भी, इस ए ने सब को, इन सब को आप, हर एक को आप ए मान सकते हो, इसको भी ए कह सकते हो, इसको भी ए, इसको भी ए, इसको भी ए, तो ए बिलोंग्स टू आर, तो कह दोगे आप इसमें आर इज रिफ्लेक्सिव, आपका जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव आपको समझ में आया होगा डायग्राफ से, हर ऑब्जेक्ट ने प्यारे बच्चे क्या बना रखा अपना इट सेल्फ लूप, क्लियर। सेकंड चलते हैं, फर्स्ट आपका हो चुका है सेकंड ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिविटी में क्या होगा, देखो नहीं इसके बाद सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक चेक करते हैं बच्चे। सिमेट्रिक में देखो क्या बताया था मैंने, सिमेट्रिक में आपके ध्यानों में मैंने बताया था कि जो ट्रेन की लाइन होती है उस टाइप से होगा। देखो ये ट्रेन की लाइन बना रहा है, ट्रेन की लाइन नहीं बना रहा। तो देखो आपको किसी को गलत प्रूव करना हो तो आप उसमें उसकी एक गलती देखोगे या फिर उसकी हजारों गलती देखोगे, उसकी आप एक ही गलती देखोगे। किसी को गलत प्रूव करना है तो ये नहीं कि आप उस, वो ये कहे, आप ये सोचो कि वो 100 गलती करेगा तब आप उसको गलत प्रूव कर सकते हो, एक गलती से उसको आप कर सकते हो गलत। तो देखो इसमें 1 से 2 तो है, पर बच्चे क्या नहीं है, 2 से 1, यहीं पे बात पकड़ में आ गई, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 से 2 है और 2 से 1 नहीं है, मतलब कि ट्रेन की जो लाइन यहाँ पे नहीं बन रही। तो आप क्या कहोगे, 1 से 2 belongs to R, this implies, ये क्या implies कर रहा है, 2 से 1 does not belongs to R, 2 से 1 does not belongs to R, और 1 and 2 ये दोनों के दोनों elements किस में है, set A में। तो आप लिख सकते हो बच्चे R is not symmetric। तो ये भी आपको समझ में आया होगा कि 1 से 2 तो है डायग्राफ में पर 2 से 1 नहीं है, तो ये क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर इस कंडीशन को ये पूरा कर लेता तो फिर अगले पे आते, 2 से 3 तो है पर 3 से 2 नहीं है। देखो आप इसमें यू भी कह सकते हो, 2 से 3 है पर 3 से 2 नहीं है, दो तरह से आप इसको बता सकते हो, पर हमें तो स्टार्टिंग में मतलब इसकी गलती मिल गई, 1 से 2 है पर 2 से 1 नहीं है। तो बच्चे इसको मैं सिमेट्रिक नहीं कह सकता। और अगला जो अपना है वो क्या है, ट्रांजिटिव चेक करते हैं, कि है या नहीं। देखो ट्रांजिटिव में मैंने क्या बताया था, इसमें तो वैसे नॉट ट्रांजिटिव दिखाना है, वो कैसे दिखाएंगे, देखो 1 से 2 है, 2 से 3 है पर 1 से 3 नहीं है। देखो स्पष्ट नज़र आ रहा है डायग्राफ में, एक एक चीज़ आप आराम से देख सकते हो, 1 से 2 है, 2 से 3 है पर क्या नहीं है बच्चे, 1 से 3 नहीं है। तो ध्यान दीजिए, देखते ही पता लग गया देखो डायग्राफ में, अगर इसमें फिर आप देखते रहो, क्योंकि जो आप प्रूफ दे रहे हो वो आपको बताना पड़ेगा कि बच्चे क्यों नहीं है ट्रांजिटिव। देखो सब 1 से 2 है, 2 से 3 है पर 1 से 3 नहीं है। तो हम क्या करते थे, ट्रांजिटिव की जो डेफिनेशन क्या थी, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर बिलोंग्स टू आर दिस इम्प्लाइज, दोनों मिलके क्या इम्प्लाइज कर दे, ए सी बिलोंग्स टू आर, और ए बी सी जो एलिमेंट किस में बिलोंग करते हैं, सेट ए में, तब हम इसको ट्रांजिटिव कहते थे। पर यहाँ पे देखो बच्चे 1 2 बिलोंग्स टू आर बिल्कुल कर, देखो यहाँ जाने की जरूरत नहीं है आपको, रिलेशन में आपको जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे रिलेशन लिख लेना आप, गिवन रिलेशन में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बच्चे रिलेशन में आपको जाने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी जो जिम्मेवारी ली है वो किसने ले ली है, डायग्राफ ने,
यहाँ पे जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे बिल्कुल। आप यहाँ से करो ना, बहुत जल्दी होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसमें देखते रहो, क्योंकि हम जब इसमें दिक्कत क्या होती है, देखो हम यू चेक आज तो ये भाई इस क्वेश्चन में ये थोड़े हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं ये। जब ये ज़्यादा हो जाते हैं ना ऑर्डर पे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या होती है मैं बता देता हूँ। आप इसको बता तो दोगे भाई, इस चीज़ को तो आप देख ही सकते हो, क्योंकि ना इधर बोल रहे हैं, नॉर बोल रहे हैं और यस बोल रहे हैं। और जब वो ये कहेगा ना कि चेक करो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तब आपको प्रॉब्लम होनी। सीधी सी बात ये है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। और प्रॉब्लम कैसे होती है, जब ज़्यादा ऑर्डर पेयर्स होते हैं तो हम एक को चेक करते हैं, दूसरे को करते हैं, फिर हम मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं पूरे तरीके से। जब आगे तक पहुँचते हैं तो पीछे वालों को भूलने लग जाते हैं, तो मतलब वहाँ पे पूरा कन्फ्यूजन रहता है। तो ये रहा ना आपके सामने, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब वन से टू है, टू से थ्री है, पर क्या नहीं दिख रहा वन से थ्री। ट्रांजिटिव के लिए यही बोला था मैंने, वन से टू, टू से थ्री, पर क्या नहीं दिख रहा वन से थ्री। तो आप क्या कहोगे, ये तो आप यहीं से आप क्या कह सकते हो, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो क्या बोलोगे बच्चे इसमें, वन से टू बिलोंग्स टू आर एंड टू से थ्री बिलोंग्स टू आर, बट वन से थ्री डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आप कह सकते हो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये तीन चीज़ हमें इसमें बतानी थी कि ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है और रिफ्लेक्सिव है। तो बच्चे ध्यान से सुन, कुछ भी नहीं करना, वो सिर्फ और सिर्फ रिलेशन देखते ही साइड में डायग्राफ बना लो। क्या बना लो, डायग्राफ। जितने ऑब्जेक्ट्स उतने गोले बना लिए, फिर मैंने रिलेशन से क्या बना दिया, डायग्राफ जो बना दिया उसमें देखो रिलेशन के अकॉर्डिंग, वन से वन सेल्फ लूप, वन से टू, टू से टू सेल्फ लूप, टू से थ्री, थ्री से थ्री सेल्फ लूप, और फोर से फोर सेल्फ लूप। फिर उसके बाद जो काम हुआ, आप इसको देखते हो, इसको मत देखो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इसकी जिम्मेवारी सारी अब किसने ले ली, डायग्राफ ने। डायग्राफ ने इसकी सारी जिम्मेवारी उठा ली है। ये जो चीज़ कहे वो आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से होगा। देखो वन, अब जब आप रिफ्लेक्सिव चेक करोगे तो हर एक का क्या होना चाहिए, सेल्फ लूप होना चाहिए। हर एक का क्या होना चाहिए, सेल्फ लूप। तो हर एक के पास क्या है, सेल्फ लूप। सिमेट्रिक के लिए आप क्या करते हो, जो ट्रेन की लाइन होनी चाहिए, तो ट्रेन की लाइन पूरी नहीं है, देखो एक लाइन है तो दूसरी नहीं है, या तो हो या हो ही ना ट्रेन की लाइन, ऐसा होना चाहिए। तो देखो इसमें वन से टू तो है, पर टू से वन नहीं है। तो मैंने बताया तो था आपको, बेसिक में ऐसे बनेगी ट्रेन की लाइन, दो लाइन होनी चाहिए, तो इनमें दो लाइन, या तो हो ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं तो होगा, या हो तो फिर दोनों, एक नहीं होनी चाहिए बस, एक कहीं भी लाइन दिख जाए इनमें कहीं से भी, तो आप उसको डायरेक्ट कह सकते हो कि सिमेट्रिक नहीं है। देखते हुए कैसे कि वन से टू तो है पर टू से वन नहीं है, तो बच्चे इसको आप क्या बोलोगे, ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, डायरेक्ट आप सिमेट्रिक नहीं है कह सकते हो देखते हुए, ठीक है, लिख सकते हो आराम से। फिर बात आती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या बोला था, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, और आप अगर ए सी बिलोंग्स टू आर दिखा देते हो तो वो तो आपका ट्रांजिटिव है। अगर आप ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर दिखाते हो तो बच्चे वो क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, वन से टू तो है, टू से थ्री तो है, पर क्या नहीं है बच्चे, वन से थ्री नहीं है। ये डायग्राफ में पता लग गया, यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ रही हमें, वन से थ्री नहीं है, स्पष्ट दिख रहा है वन से थ्री नहीं है। तो बच्चे आप इसको क्या बोलोगे, नॉट ट्रांजिटिव। क्या बोलोगे, नॉट ट्रांजिटिव। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स करो। थैंक यू।